कंगाल होता पाकिस्तान, ना बिजली ना राशन। इमरान कर रहे चुनाव की मांग, क्या इलेक्शन से मालामाल होगा पड़ोसी? नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भुखमरी की कगार पर खड़े हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों विपक्ष ने वहां की सरकार की नाक में ऐसा दम कर रखा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो उसके रास्ते पर चले या फिर पहले मुल्क की माली हालत सुधारे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल करने की कोशिश की है कि मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब जल्द आम चुनाव होंगे और निजाम बदलेगा। साथ ही बड़ा सवाल ये है कि मुल्क की कंगाली तो एक तरफ है, लेकिन प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वहाँ जो तबाही मचा रखी है उसे मद्देनजर रखते हुए क्या ऐसे सूरत हाल में वहाँ आम चुनाव कराना मुमकिन है? इमरान ने दबाई दुखती रख। पिछले साल पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। सत्ता से बाहर रहकर इमरान खान को समझ में आ गया कि सरकार के किस कमजोर नब्ज को पकड़कर उसे हिलाया जा सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने गैस और बिजली की किल्लत और बेतहाशा बढ़ती महंगाई से बदहाल हो चुके आवाम से सीधा संवाद कायम किया है। पाकिस्तान में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ की सरकार उसे काबू करने के बजाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ के सामने खाली कटोरा लेकर ये गुहार लगा रही है कि उसे और कर्ज की इमदाद कब मिलेगी। नाकाम पाक सरकार। पाकिस्तान की शरीफ सरकार अभी तक आईएमएफ को ये समझाने में कामयाब नहीं हो सकी है कि उसके कर्ज का नवीनीकरण करते हुए उसे और मदद मिल जाए ताकि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बेतहाशा आर्थिक तंगी से गुजर रहा पाकिस्तान क्या जल्दी आम चुनाव कराने की हैसियत में है? वहाँ के बहुत सारे सियासी विश्लेषक इसका जवाब नहीं में देते हैं। राजनीतिक और आर्थिक पंडितों की माने तो मुल्क चलाने के लिए पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। ऐसी सूरत में वक्त से पहले चुनाव करवाना बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। नेता सेना आए एक साथ। पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि सारे हितधारक यानी राजनीति के तमाम दिग्गज और आर्मी के आला ऑफिसर साथ बैठे और वो सर्वसम्मति के साथ मुल्क में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने पर राजी हों, जिसका पहला व एकमात्र मकसद ये है कि देश को आर्थिक बदहाली के इस दलदल से कैसे बाहर निकाला जाए। हालांकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा इमरान खान ही है, क्योंकि वो लचीला रुख अपनाने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान शायद राजनीति को भी खेल का मैदान समझ बैठे हैं, जहां वो अपने विरोधी को हराना ही एकमात्र मकसद होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।